धार जिले के सरदारपुर सब जेल में विचाराधीन बंदी और जवान के बीच मारपीट हो गई। विचाराधीन बंदी वीरेंद्र पिता जामसी ने जवान पर आरोप लगाया कि उसने उससे पैसे की मांग की थी और नहीं देने पर जवान संतोष लोधी ने मारपीट की। इस घटना में वीरेंद्र को हाथ और पीठ सहित कई जगह पर चोट लगी है, जिसे सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसका डॉक्टर M.L. जैन ने उपचार कर एक्सरे के लिए भेज दिया। वहीं जेल अधीक्षक ने पैसे की मांग करने वाली बात को नकार दिया है और बताया है कि भोपाल, इंदौर व धार के वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दे दी है और जवान संतोष को निलंबित भी कर दिया गया है। जो भी हो, लेकिन विचाराधीन बंदी के चोट के निशान बयां कर रहे हैं कि जेल में बंदी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। सरदारपुर से रवि सुनेर की रिपोर्ट। मेरे वो क्या एक 10,000 रुपये मांगे थे, संतोष राठी करके एक जवान है, उसने 10,000। मैंने कहा गरीब आदमी अभी है नहीं मेरे पास पैसे, कहाँ से दूंगा यार। तो ये कर 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 मेरे को लेटरिन के पीछे ले जा रहे, रोज देखे तो गुस्सा आ रहा हूँ। फिर कल तो उसने ऐसा करा कि 2:05 मेरे को बाहर निकाला और डायरेक्ट मारने ही लग गया। और ऐसा मारा कि आज से भी ज़्यादा बंदा इससे कोई बचाया भी नहीं मेरे को। 3 जवान ड्यूटी वाले थे, उन्होंने भी नहीं बचाया। उनका भी नाम है एक जवान लेटा है और एक का नाम है ये संजीव क्या लगा था वो, हाँ संजीव दंडोटिया, और एक का नाम है घनश्याम प्रजापत। विवाद का ही नहीं हुआ मेरे को बेरिंग में से, जबकि 2 हमारा निकालने का नहीं रहता, 2 मेरे को निकाला बेरिंग में से, बेरिंग में जैसे निकाला ऐसे मेरे को मारने लग गया एकदम से। बहुत मारा मेरे को, कम से कम 1 तक मारा मेरे को। 20 बच्चा हुए मेरे छोरे होने आए और वो अंदर के बंदियों आए थे। किस चीज से मारा आपको? एक ही सर ने मारा, एक ही जवान ने मारा। किस चीज से मारा, काई से मारा? लट से मारा मेरे को, लट और लाल फ्रस्ट्रेशन बहुत मारा मेरे को। अच्छा, जेल के अंदर पैसे वगैरह की डिमांड की जाती है? हाँ की जाती है, मांगते हैं ना, मतलब डरा धमका के जेलर साहब को बोल दो तो ये क्या करते हैं, उधर हमको बहुत धोते थे इसलिए हम शर्म के मारे जेलर साहब को बोल नहीं पाते, मतलब ऐसे कहीं भी नहीं बोल पाते जेलर साहब को, मतलब के उसके शरीर पर चोटें पाई मैंने, लगभग 13-14 चोटें हैं उसको, और एक दूसरे के सूजन भी है जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी है, फिलहाल उसको इलाज के लिए भर्ती किया है। कल 2:05-10 की कोई घटना है, बंदी और जो जवान के बीच में आपस में जुमा झटकी हो गई है साफ सफाई के लिए, तो उसमें क्या बोलते हैं आपस में जुमा झटकी में जवान को भी लगी है और बंदी को भी लगी है। उसके संबंध में इसकी सूचना हमने वरिष्ठ कार्यालय भोपाल, इंदौर, धार दे दी है, जहां से जेल अधीक्षक धार आए थे, उसकी प्राथमिक जांच हुई, प्रतिवेदन उन्होंने बना के भोपाल भेज दिया है। और आज SDM सरदारपुर भी आए थे, उन्होंने भी बंदियों से पूछताछ की, स्टाफ से पूछताछ की और उन्होंने प्रतिवेदन बनाया और उन्होंने जवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। बाकी से इस कार्रवाई ये घटना कब की है? ये कल की है सर। वो बंदी को आज ले जाया गया हॉस्पिटल, उसके लिए नॉर्मल थी ऐसा, और उसके लिए हमारे यहाँ बल नहीं होने के कारण हमने तत्काल पुलिस बल मांग की थी जाप्ता लगवा के पुलिस थाने से, और वो बल नहीं मिला तो उनसे क्या बोलते मैंने संपर्क किया, उसके बाद भी नहीं मिला, तो फिर आज हमारे बल से तत्काल इधर उधर से व्यवस्था जमा के हमने चेकअप करवाया। किस केस में सजा काट रहा है जो बंदी और जवान के जो झड़प हुई है, तो बंदी 302 आजीवन मतलब उसमें मर्डर में विचाराधीन बंदी है। तो बंदी ने आरोप लगाया कि पैसे के लेन देन को लेकर मार नहीं, ये तो ऐसा नहीं, कभी भी माननीय न्यायालय भी आता है, SDM साहब भी आते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी आते हैं, अगर ऐसी कोई लेन देन की बात होती तो या तो उनको बताते हैं, मेरे तो ऐसे संज्ञान में आता था, हम विरुद्ध संबंधित के विरुद्ध अवश्य ऐसी कार्रवाई करते, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हुई है उसकी जुमा झटकी मारा कुछ